हेलो फ्रेंड्स, मैं जसदीप आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल दिली मस्ती में। आज आप बता सकते हैं मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख के हम कहां पे हैं? आज हम आए हैं पहाड़गंज, जो कि चटोलों की लिए बहुत फेमस है। अब पुरानी दिल्ली के पास में है, तो पुरानी दिल्ली के जायके, पुराने ज़माने के जायके तो पहाड़गंज में लाजमी बनता है भाई, उसमें खाने में मौजूद होंगे ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने जायकों की तलाश पहाड़गंज में। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, दिली मस्ती के साथ। फ्रेंड्स, मेरी शिकायत है आपसे, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और बेल आइकन क्लिक करना तो भूल ही जा रहे हो। प्लीज़ यार, इतना तो बनता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। फ्रेंड्स, पहाड़गंज की ओर बढ़ते हुए हम आ पहुँचे हैं आरा काशा रोड पे। कुछ लोग इसे आरक्षण रोड भी पढ़ते हैं, लेकिन ये आरक्षण रोड नहीं है, ये है आरा काशा रोड। ये जो है ट्रैवलर्स के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है ये रोड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल्स हैं और मोर देन 5,000 रूम्स अवेलेबल हैं। आइए, इस रोड से चलते चलते हम सीधा कहाँ जा पहुँचेंगे, कुछ अंदाज़ा है आपको? इस रोड से हम चलते चलते पहुँचेंगे मुल्तानी ढांडा गली नंबर 6 के पास। चलिए, अपने जायकों की तलाश जारी रखते हुए हम बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मुल्तानी ढांडा गली नंबर 6, मेरे ठीक पीछे है। आप देख सकते होंगे चंद्र मोहन कपूर की शॉप। ये भाजी वाले हैं, ऑल ओवर दिल्ली से लोग यहाँ पे भाजी बनवाते हैं शादी ब्याह के लिए। आइए, थोड़े जायके की तलाश जारी है हमारी, बने रहिए मेरे चैनल के पे। फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं अभी हम क्या ट्राई करने वाले हैं? हम आ चुके हैं मुल्तान मोट भंडार पे और अब हम ट्राई करने जा रहे हैं मोट कचौड़ी। आइए ट्राई करें। कैसी लग रही है आपको यहाँ की कचौड़ी? लेते हैं क्या लेते हैं? चावल लेते हैं? मोट चावल, कड़ी चावल, कुछ भी कहो, यहाँ का सबसे टॉप का है। सबसे टॉप का है जी। आपका नाम क्या है? रवि नाम है। रवि नाम, कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से यहाँ लेने आते हैं? नहीं, सिर्फ यहाँ पे हमारा जॉब करते हैं, जॉब से हमारा लंच यहीं से जाता है। आप देख सकते हैं सर जो है यहाँ पे रवि जी, यहाँ पे लंच के लिए यहाँ से 1.5 साल से मोट कचौड़ी, मोट चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल यहाँ से ले रहे हैं और बता रहे हैं बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। थैंक यू। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण कुमार। हाँ जी, प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार, कितने साल से है ये शॉप यहाँ पे? 70 साल। तो ये तीसरी जनरेशन की होगी, दादाजी के टाइम से स्टार्ट है ये। ओके फ्रेंड्स, ये 70 ईयर्स ओल्ड शॉप है। यहाँ पे मुल्तानी कचौड़ी, जिसे हम कहते हैं मोट कचौड़ी, वो भी यहाँ पे मिलती है। सबसे ज़्यादा क्या स्पेशलिटी है आपके यहाँ पे? यहाँ पे मोट कचौड़ी स्पेशल। मोट कचौड़ी स्पेशल है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने लिए एक मोट कचौड़ी लेते हैं और फिर देखते हैं इसके जायके। भैया, एक प्लेट लगा दीजिए। ठीक है, कचौड़ी आ चुकी है, अब हम इसको ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका। दाल है, मसाले हैं, सैलड है, सैलड में प्याज दिया जा रहा है, हरी मिर्च दी जा रही है। बहुत ही पुराना ऑथेंटिक, जिसे हम बोल सकते हैं ऑथेंटिक टेस्ट है इस कचौड़ी का। फ्रेंड्स, जायके का सफ़र तो हम शुरू कर ही चुके हैं, आप देख ही पा रहे हैं। हमने ब्रेकफास्ट जो किया है वो हमने किया है दाल मोट कचौड़ी के साथ, गली नंबर 6 मुल्तानी ढांडा मुल्तान मोड़। आइए चले आगे जायके की तलाश में। फ्रेंड्स, मुल्तान मोड़ खाने के बाद अब हम चल पड़े हैं जायके की तलाश में गीला कुलचा खाने, जो कि ठीक मेरे पीछे दुकान है मुल्तानी चावल छोले वाले। आइए, जैसे ही हम गली नंबर 6 से निकले बाहर, सीधे हाथ को
सामने की तरफ शॉप है, थोड़ी सी शॉप छोड़ के, चार पांच दुकान छोड़ के आइए ट्राई करते हैं गीला कुलचा। आपका क्या नाम है? विपल। विपल जी, कितने साल से आप ये शॉप चला रहे हैं? काफी टाइम हो गया। मैं रोज डेली खाना डेली खाने आते हैं। क्या क्या खाते हैं आप यहाँ पे डेली? मैं छोले कुलचा भी खाता हूँ, गीला कुलचा भी खाता हूँ, राजमा चावल भी है, छोले चावल भी। ओके, क्या नाम किया है सर आपका? रोहित नाम है मेरा। अच्छा, रोहित जी ने हमें बताया 60 साल से ये शॉप यहाँ पे ज्यादा है, उससे भी ज्यादा से। ये मेरे फादर भी यही खाते थे। ओ, इनके फादर भी यही खाते थे? ये लाला जी है ना, ये मेरे दादाजी के दोस्त थे। ओके, तो आप ये समझ लीजिए थर्ड जनरेशन है जो यहाँ पे शॉप चला रही है, क्योंकि इनके फादर और इनका जो जो भी शॉप चला रहे हैं उनके जो सन होंगे वो भी लगभग आपकी एज के तो होंगे। बिल्कुल, तो थर्ड जनरेशन की शॉप है यहाँ पे, तो इस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं 80 साल के आसपास, 80-90 से ज्यादा पुरानी ये शॉप है। और भैया यहाँ पे बता रहे हैं डेली का ब्रेकफास्ट इनका यही होता है। चलिए आइए हम ट्राई करते हैं गीला कुलचा। छोले का पानी है फ्रेंड्स, छोले के पानी में कुलचे को डिप किया गया है, बोलते हैं यूजुअली लोग घर में, छोले की तरी में रस्सा में उसको डिप किया जाएगा। उसके बाद छोलों में देखिए आप, जहाँ पे इनके छोले कुलचे जैसे नॉर्मल लोग खाते हैं वो भी अवेलेबल रहते हैं, यहाँ पे कुलचे को छोले के अंदर डिप कर दिया गया है। अब फ्रेंड्स देखिए कुलचे को तोड़ा जा रहा है, अभी जो भगोना है जिसे हम, उसके अंदर ही छोलों के साथ इसको तोड़ा गया है कुलचे को, और इसके साथ अब सैलेड के रूप में प्याज वगैरह साथ में सर्व किया जाएगा। सैलेड में क्या क्या आप ऐड करेंगे? जैसे पहले तो चटनी जा रही है, ये टमाटर का ग्रेवी गया, अब ये प्याज के साथ चटनी आई है, और ये आ गया हमारा गीला कुलचा तैयार। अभी मैं चावल छोले खा रहा हूँ। चावल छोले खा रहे हैं, कैसा टेस्ट लग रहा है आपको? बढ़िया, अच्छा। आप कितने टाइम से खा रहे हैं यहाँ पे? आ रहा हूँ 5 साल से आ रहा हूँ वैसे। अच्छा, कभी कभी। फ्रेंड्स हमारा गीला कुलचा आ चुका है, आइए ट्राई करें। बहुत बढ़िया, फ्रेंड्स जायकों की खोज में अब हम आ चुके हैं जनता स्वीट्स पे, जो कि है गली नंबर 8 मुल्तानी ढांडे में ही। मुल्तानी ढांडे में ही आपको काफ़ी शॉप्स मिल जाएंगी जायके के लिए, और अभी हम आ चुके हैं जनता स्वीट्स पे। यहाँ की स्पेशलिटीज़ में जो कहा जाता है, एक कहा जाता है मूंग दाल का समोसा और मुल्तानी कचौड़ी, लेकिन लोगों का कहा जाए तो उन्हें यहाँ की मालपुड़े बहुत पसंद आते हैं। आइए हम एक मालपुआ लेते हैं। एक मालपुड़ा दे दीजिए। क्या नाम है अंकल जी आपका? धीरज। हाँ जी, धीरज। धीरज जी, आप कितने साल से ये शॉप चला रहे हैं? 40-45 साल। तो आप ही ने स्टार्ट किया है यहाँ पे? फादर और चाचा जी ने। फादर और चाचा जी ने स्टार्ट किया है। ओके, और स्पेशलिटीज में क्या आता है आपके? तो मूंग दाल का समोसा, मुल्तानी पूरी होती है। ओके, और ये मालपुड़ा। मालपुड़ा, दोनों चीज़, तीनों चीज़ें आपके यहाँ के स्पेशलिटीज में। और कितने, मतलब डेली में कितने निकल जाते हैं? गिनती तो नहीं करते, गिनती नहीं की, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स पे डिपेंड करते हैं। ये हमारा मालपुड़ा आ चुका है। मालपुड़ा अगर आपको गरम गरम खाना हो तो आपको 12 बजे तक यहाँ पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पूड़ी निकलती है, यहाँ पे पूड़ी छोले वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं आपके ब्रेकफास्ट के लिए, जब तक पूड़ी वगैरह निकलती है तब तक आपको मालपुड़ा गरम मिलेगा, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा मिलेगा यहाँ पे। चलिए आइए टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स आप देखिए ये मालपुड़ा है और ऊपर सूजी का हलवा दिया गया है इसके साथ, मीठे पे और मीठा। बहुत बढ़िया, गर्म होता तो जायका और निखर के आता, ठंडा है इस समय लेकिन जायके में कोई कमी नहीं है। फ्रेंड्स हमने मालपुड़ा अपना कंप्लीट कर लिया है, मैं आपको प्राइस बताना भूल गई थी। मालपुड़े, एक मालपुड़े की प्राइसिंग जो रहती है 25 रुपीज़ पर पीस रहता है। फ्रेंड्स हम मुल्तानी ढांडा चौक पे आ चुके हैं, पीछे ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कश्मीर स्वीट शॉप, जो कि 1948 से यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे मॉर्निंग में आपको पूड़ी छोले, दोपहर में
भटूरे छोले और चूरचूर नान मिलेंगे, लेकिन हम लंच के लिए भटूरे छोले ले रहे हैं। आइए जायके का अनुभव करें। फ्रेंड्स अब देखते हैं हम कि प्रिपरेशन कैसे रहती है इनके छोले भटूरे। फ्रेंड्स हमारे भटूरे कढ़ाई में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और ये गया भटूरा कढ़ाई में। ये फ्लफी फ्लफी भटूरा। फ्रेंड्स हमारे छोले भटूरे आ चुके हैं। छोले सैलेड में प्याज और गाजर का अचार है और ये फ्लफी भटूरा। फ्रेंड्स बहुत गर्म है। लाजवाब। ऑयल थोड़ा ज़्यादा है, हाथ पे आ रहा है, लेकिन छोलों का टेस्ट बढ़िया है। फ्रेंड्स मैंने कभी फालसे का शरबत ट्राई नहीं किया है और मुझे लगता है आपने भी कभी ट्राई नहीं किया होगा। आइए फालसे का शरबत ट्राई करें। क्या नाम है भैया आपका? परमात्मा जायसवाल। अच्छा जी, आप ही के नाम पे आई? हाँ, परमात्मा हमारे भाई हैं, मतलब उनका ही नाम ले रहा हूँ मैं। उन्हीं भाई साहब का नाम ले रहे हैं। अच्छा, कब से चला रहे हैं आप ये? हो गया कम से कम 5-7 साल हो गया होगा। 5-7 साल से। बहुत बढ़िया, एक ग्लास दीजिए शरबत हमें। कितने का ग्लास है ये शरबत का? ये 10 रुपए का गिलास है जी। 10 रुपए का। और बड़ा ग्लास भी रहता है आपके पास? 20 रुपए का है, 30 रुपए का है। फ्रेंड्स मैंने 10 का शरबत का ग्लास लिया है, आइए टेस्ट करें। ठंडा शरबत है, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। उस बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैंने एक ही सिप में, मतलब एक ही बार में पूरा शरबत कंप्लीट कर लिया। आइए जानते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, क्या सिस्टम रहता है, कैसे बनाते हैं ये फालसे का शरबत। इस मिक्सर में पीस करके आम होता है और फालसा होता है और गोट का तीरा हुआ मिला हुआ था, उसको मिक्स करके फिर बनाते हैं। हाँ जी। अच्छा, और जैसे आपके पास और भी रहता है आम पन्ना होता है, आम पन्ने का प्रिपरेशन कैसे रहता है? मिक्सर में पीस करके उबाल करके बनाते हैं जी उसको, ठीक है। और बेल होता है, निकाल करके उसको फिर उसके बाद मिक्सर में बढ़िया से छान करके बनाते हैं जी। और सत्तू का क्या सिस्टम रहता है? सत्तू का बस वही होता है कि पानी मिला करके और सत्तू घोल करके मीठा चीनी। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैं एक गिलास और लेने जा रही हूँ इसे कम्प्लीट करने के बाद। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं चावला दे मशहूर चूरचूर नान खाने के लिए। ये सिंस 1983 से शॉप यहाँ पे अवेलेबल है। आइए चलें चूरचूर नान ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं चावला चूरचूर नान खाने के लिए। आपको मैं बताती हूँ, पहले अंकल जी की शॉप जो है आगे हुआ करती थी, जो पुरानी शॉप्स हैं वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट वो अभी भी है और ये अब पूरा एक रेस्टोरेंट मल्टी स्टोरी इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया है। आइए हम यहाँ पे बैठ के चूरचूर नान खाते हैं। पहले अंकल जी से जानते हैं कि क्या हिस्ट्री है शॉप की, बताइए सर। सबसे दिल्ली में पहली दुकान हमारी थी। अच्छा, सबसे पहली दुकान 1983 में, फादर थे, ब्रदर था, मैं था, हम तीनों मिल के काम करते थे चौक पर कोने वाली दुकान पर। किसी को नाम ही नहीं पता होता था ये नान चूर चूर आइटम क्या है। ये आइटम हम अमृतसर में रहे थे काफ़ी टाइम, वहाँ से हमने ये फिर आकर यहाँ से शुरू किया, तब से लेकर आज भी। अगर पहली दुकान थी तो आज भी पहले नंबर पे ही है। बिल्कुल, इसको इतना मेंटेन रखा है, इतना मतलब टेस्ट जो है ना उसको नहीं चेंज किया, लगातार उसी तरह पूरा ध्यान दिया। जबकि खुद भी काम जानते हैं, सारा काम खुद अपने हाथों से भी करते रहे। अब ये है कि अब पहले से और ज़्यादा बेटर है। बढ़िया। हाँ जी,
आपके जैसे कई छू नान रहते हैं, आलू के, गोभी का, पनीर का, तो सबसे बेस्ट कौन सा रहता है? नहीं, बेस्ट में तो टेस्ट में बात है, नान सारे ही बढ़िया है, एक से एक बढ़िया है। लेकिन आज जो अगर क्रेज उठता है तो वो अगर कोई स्पाइसी में लेना चाहे आलू प्याज के ले ले, कोई लाइट में लेना चाहता है फिर पनीर प्याज के खा ले, टेस्ट पर बात है। नान सारे वन है, आलू के नान है, आलू प्याज के, गोभी के, पनीर के, सादा बटर नान है, लच्छा परांठा है, हर तरह का। इसके साथ अलावा और भी आइटम है, पुलाव है, लस्सी है, रबड़ी है, शाही रबड़ी भी अपनी एक बनती है, उसमें भी टेस्ट बहुत लाजवाब है। कस्टमर को एक जब भी यहाँ आया उसको पूरी तसल्ली मिली है खाना खाकर, उनने खुद ही मतलब महसूस किया कि हाँ खाना लाजवाब, कोई कमी नहीं, बिल्कुल वही चाहिए, और उसको बचपन से लेके आज तक उसको कायम रखा है। आप कितने साल के थे जब आप यहाँ पे अपने फादर के साथ आपने काम किया? मैं फादर मतलब यहाँ पर जब बाजार में मैंने काम शुरू किया मैं फोर्थ क्लास में पढ़ता था। ओके, काफी बचपन से। बचपन से पापा के साथ काम करा था, दिन में स्कूल में पढ़ते थे, शाम के टाइम आके दुकान पे काम। पहले तो जमाना ही ये था कि हाँ करने वाला एक ही घर में होते थे, सारा परिवार चलता था। आज सारा परिवार करता है तो परिवार नहीं चलता, तो परिवार नहीं चलता। लेकिन ये है कि उस समय पापा के साथ मिलके करते थे, थोड़ा बहुत उनकी मदद हो जाती थी। तब से लेकर लगातार मैंने आइटमें भी बहुत दी हैं इस बाजार में, आइटमें बहुत दी हैं, ऐसी ऐसी आइटमें दी हैं जिसमें हर आइटम में नाम निकला है उस परमात्मा की कृपा से। नियत साफ थी, काम सब एक से एक बढ़िया किए, मन में ठान रखा है क्वालिटी में नहीं कोई कमी छोड़ेगी, जहाँ जितनी कोशिश होगी बढ़िया से बढ़िया ही करेंगे, परमात्मा ने चाहे और आगे परमात्मा की कृपा है जी। मैं कस्टमर को भी बोलता था वहाँ, मेरे कहते हैं भाई साहब गर्मी में बिठा दिया, मैं भाई साहब आप आशीर्वाद दो कोई दुकान मेरे को मिलेगी तो मैं आपको एसी रूम में इसी रेट पे खिलाऊंगा, और उस मालिक ने आज सुन लिया, ऊपर अब एसी वगैरह में बैठ के उसी रेट में खिला रहा हूँ जो रेट में रहूँ वहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हो, बस ये परमात्मा की कृपा है जी, अपना कुछ नहीं, आपने तो सिर्फ है कि अपने कर्म करना है, कर्म अच्छा करेंगे फल अच्छा मिलेगा, फल अच्छा मिलेगा, बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं ऊपर और मेन्यू में से डिसाइड करते हैं कि क्या ऑर्डर करना है, कौन सा नान, और फिर हम अपना नान टेस्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, चलिए अब हम थोड़ा मेन्यू चेक करते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या खाना है। फ्रेंड्स हमने पूरा मेन्यू चेक किया है, इसमें आपको चूचू नान दाल छोले रायता के साथ मिलता है जो कि बेसिक थाली रहती है। एक स्पेशल चूचू नान रहते हैं उसमें आपको दाल के साथ शाही पनीर और रायता ऐड हो जाता है, रायता उसमें भी रहता है लेकिन उसमें दाल और छोलों में से एक चीज़ मिलेगी और रायता रहेगा। इसमें आपको दाल, शाही पनीर और रायता रहता है। इसमें हम ले रहे हैं स्टफ पनीर प्याज के साथ, 200 रुपये की थाली है, हम इसे एक थाली को ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स हमारे पनीर प्याज के चूचू नान आ चुके हैं। चूचू नान क्या होता है, बेसिकली जब ये बनता है तो इसे बटर डाल के बहुत सारा क्रश कर दिया जाता है तो ये आपका हो जाता है चूचू नान। ये शाही पनीर की सब्जी आपके सामने देख रहे हैं आप, ये दाल मखनी है और ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सैलड है, प्याज है, गाजर दिख रही है थोड़ी सी और ये रायता है। अब इतना वेट नहीं हो रहा मैं इसे आपको और एक्सप्लेन करूँ, मैं टेस्ट करने जा रही हूँ इसे, आपको आना पड़ेगा यहाँ पे खाने के लिए। ये पहले मैं टेस्ट कर रही हूँ पनीर के साथ, पनीर के साथ बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। अब दाल के साथ टेस्ट करते हैं, बहुत गर्म है और बहुत ज़्यादा बटर है तो मुझे लगता है इसका वर्थ है 200 रुपये। फ्रेंड्स बहुत गर्म है, बढ़िया कंप्लीट मील है, वर्थ है 200 रुपये। पनीर की सब्जी आती है, दाल आती है, सैलड है, रायता है, बहुत ज़्यादा बटर डाल के
पनीर के नान हैं, पनीर की स्टफिंग भी आप देखिए कितनी ज़्यादा पनीर की स्टफिंग है। ये भी नहीं कि सिंपल नाम के नहीं है, काफ़ी अच्छी स्टफिंग है पनीर की, तो वर्थ है। मेरे को बहुत अच्छे लगे, आप ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स हम आ गए हैं चंद्रमोहन भाजी वाले जी के यहाँ पे, और अभी हम देखते हैं कि क्या क्या रहता है भाजी में। सर के पास अवेलेबल प्रसाद के बॉक्सेस भी अवेलेबल रहते हैं। आइए चलते हैं शॉप के अंदर और फिर देखते हैं। आइए सर, भाजी के बॉक्सेस कितने से स्टार्ट है सर? मैम भाजी के बॉक्सेस सारी रेंज के लिए रखते हैं हम। लाइक जैसे अगर किसी की रेंज कम है तो भी, जैसे एक 170 का बॉक्स है, इससे कम रेंज का भी किसी को बॉक्स प्रिपेयर कराना हो तो वो हम करते हैं। इसके अंदर प्रसाद के बॉक्सेस, ड्राई फ्रूट्स हो गया आपका, मिक्स जो ट्रेडिशनल हमारा पंजाबी बनिया भाजी रहती है उसमें वो सब कवर होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लड्डू हो गए, तोशे जो अपना सबसे फेमस रहता है भाजी में, दिस इज पंजाबी तोशे जो आपका गुड़ पारे शक्कर पारे के बनाए जाते हैं, जो कि लास्ट पता नहीं सालों से बनाए जाते हैं, बट अब ट्रेडिशनल थोड़ा थोड़ा सा पहले लोग घर पे बनवाते थे, आजकल सबके पास टाइम नहीं होता, जगह भी नहीं है बनवाने के लिए, तो लोगों को चाहिए कि कोई बंदा हो जो आपको प्योर अच्छा घी, अच्छा मैदा लगा के, अच्छी चीज़ लगा के, बढ़िया चीज़ बना के दे। तो उसी के अकॉर्डिंग जो लोगों को क्वालिटी वाइज चीज़ प्रेफरेंस है उनके लिए ही चीज़ बनाते हैं। क्योंकि शादी होती है 25 साल में एक बार ही घरों में, तो जो चीज़ जानी चाहिए ऐसी जानी चाहिए सेटिस्फैक्ट्री, जिसपे बंदा एक बार खाए तो बार बार वापसी आए कि क्या चीज़ खाई थी मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तोशे हमारे ऐसे रहते हैं बिल्कुल माउथ वाटरिंग, आप एक बार खाएंगे बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा तोशा उनके अंदर, तोशा बिल्कुल सख्त नहीं रहेगा। रीज़न वही है, अच्छी से अच्छी टाइप की क्वालिटी में का आप तेल लगाएं, मैदा लगाएं, सामान लगाएं, हर टाइप के बॉक्सेस यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ ये रहती है कि अब हम जिसे घर पे कीर्तन वगैरह करवाते हैं उस केस में प्रभात फेरी रहती है, तो हमें प्रसाद का अरेंजमेंट करना होता है, और बहुत एक टास्क की हो जाता है कि हम कहाँ से अरेंज करें, सही प्रसाद बनाओ, झूठे हाथ ना लगे हो, तो वो प्रसाद के लिए बॉक्सेस भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ एक प्रसाद का बॉक्स। फ्रेंड्स प्रसाद के तौर पे जब हमें कभी बड़ा बॉक्स देना होता है तो हमें बहुत परेशानी होती है कि हम क्या चूज़ करें, कहाँ से लें। तो आपको, आपके सामने मैं दिखा रही हूँ आपको, ये समोसा है जिसमें आलू मटर पनीर की स्टफिंग है, ये प्याज की कचौड़ी है जिसे कि राजस्थानी कचौड़ी के नाम से हम लोग बहुत फेमसली जानते हैं, और दो देसी गुलाब जामुन घी में प्रिपरेशन, और दो चटनी मिलती है आपको यहाँ पर। ये कम्प्लीट बॉक्स जो है आपको 75 रुपीज़ में मिलता है। You can taste it. This is mint flavored kishmish. You can get other flavors also. आपको अगर किसी भी तरीके के flavors में चाहिए तो आपके according हम flavor भी customize कर सकते हैं। Like if you need this in mango flavor or some else flavor you need, तो आपके उसके लिए भी kishmish या कोई भी dry fruit आपको flavoring कराना है तो आपके लिए customize हो जाएगा। सही friends, flavor करके आपको कोई भी dry fruit चाहिए तो आपको flavor करके यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल रहते हैं। पर अगर चाहिए किसी को तो हैम्पर्स एंड विद कार्ड, वेडिंग कार्ड्स। ओके, हैम्पर्स विद वेडिंग कार्ड्स भी अवेलेबल रहते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए वेडिंग कार्ड, बहुत अच्छी मतलब ऑप्शंस मिलेंगे आपको यहाँ पे। आइए हम इसे यहाँ पे रख देते हैं सेफली। फ्रेंड्स चूचू नान हो गए, अब कुछ आइसक्रीम ट्राई करते हैं। हम आ गए हैं पंडित जी, जयपुर वाले हैं यहाँ पे, पंडित जी जयपुर वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम ट्राई करते हैं स्पेशल रबड़ी फलूदा। फ्रेंड्स देखिए रबड़ी जा रही है फलूदे और आइसक्रीम के ऊपर। मीठा कैसा खाएंगे? मीडियम। फ्रेंड्स आ चुकी है हमारी रबड़ी स्पेशल फलूदा।
बहुत बढ़िया है, गर्मियों के लिए रिफ्रेशिंग है, बिल्कुल नेचुरल है, मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और दाम भी बहुत वाजिब है, इतना ग्लास है आप देख सकते हैं मेरे पाम जितना, 30 रुपीज़। फ्रेंड्स, हमने अपनी रबड़ी फलूदा कंप्लीट की है, आइए जानते हैं अंकल जी से ये कब से लगा रहे हैं यहाँ पे रबड़ी फलूदे के लिए दुकान। कब से लगा रहे हैं अंकल जी आप ये शॉप? 1967 से लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू शर्मा है। अच्छा, राजस्थान का रहने वाले। अच्छा जी, पहले मेरे भाई संभालते थे, अब मैं संभालता हूँ बच्चे। तो आप ये कैसे प्रिपरेशन कैसे करते हैं सारी कुल्फी की, फलूदा? ये रबड़ी हमारा परिवार बनाता है। अच्छा, फैमिली में प्रिपेयर होती है। ओके, और फलूदा? इसमें सिर्फ मजदूरी रेट पे काम, फलूदा भी वही बनाते हैं। फलूदा भी वही बनाते हैं, बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, आपने देखा कितनी पुरानी शॉप है ये, और कब से अंकल जी यहाँ पे बना रहे हैं ये, और आप सबको और हम सबको रबड़ी फलूदा आइसक्रीम खिला रहे हैं। फ्रेंड्स, सुबह से हमारी जायकों की खोज तो जारी है ही, हमने मुल्तानी डांडे में सारा कवर किया है। थैंक यू, आपने मेरी वीडियो पूरी देखी, बने रहिए मेरे चैनल दिल्ली मस्ती के साथ। जायकों की खोज यहाँ मुल्तानी डांडे में ख़त्म नहीं हो रही है, अभी पहाड़गंज बहुत बड़ा है और बहुत सारे जायकों की खोज अभी जारी है। बने रहिए मेरे चैनल दिल्ली मस्ती के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए, मेरे को बताइए कि आपने यहाँ पर कुछ और खाया हो जो मैंने नहीं खाया, उसको कमेंट करके बताइए, और बेल आइकन क्लिक करना नहीं भूलना। चलिए चलें आगे।